और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस लद्दाख की सीट समेत तमाम लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम हिस्सों में वोटिंग के अमल में लोगों की भरपूर शिरकत साबित करती है कि लोग मौजूदा हुकूमत से नाराज हैं और तब्दीली लाना चाहते हैं। भल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तवील अरसे से असेंबली इंतखाबात और रियासत की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और जम्मू रियासी से पार्टी के कैंडिडेट रमन भल्ला। भल्ला साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल का जो फेज हुआ बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा, जबरदस्त वोटिंग हुई है। क्या आपको लगता है कि ये जो अच्छी वोटिंग हुई है ये किस तरफ इशारा दे रही है? लोगों में गुस्सा है, इशारा किस तरफ है, बदलाव के संकेत हैं। जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीनने के बाद, गवर्नर की पोस्ट हमसे छीनने के बाद, नौजवानों के रोजगार छीनने के बाद, राशन डिपो में कैरोसिन आयल चीनी गायब करने के बाद, आज जो मुलाजम कैजुअल लेबर डेली वेजेस हो उनको रेगुलर ये लोग नहीं कर पाए, मुलाजमों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना बड़ा ज़रूरी है, ये तमाम दिखते हैं। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में बुलडोज किया, आज वक्त आ गया कि वो वोट दे के बता दें, बदलाव के संकेत दें। हमें लगता है कि बदलाव होगा और इंडिया ब्लॉक की छह सीटें जीत के आएंगे। आप कह रहे हैं लद्दाख की सीट जो है, क्या लगता है लद्दाख की सीट, क्योंकि वहां पे आप थोड़ा फंस गए एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कोई फंस नहीं, ये स्ट्रेटेजिकल चुनाव यहां पे है, ये चुनाव के पत्ते उस वक्त खोलेंगे, 4 तारीख आपको नतीजा सामने आ जाएगा। लास्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कल भी कहा है कि हम इलेक्शन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या डायरेक्शन है उस पर हम पालन करेंगे। आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शन टाइम पे होंगे और क्या आप तैयार? 4 तारीख के पास हम दोबारा बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक, अगर करना होता तो ये कदम यहाँ पे उठाते, लेकिन यहाँ पे रियासती सरकार बनना बड़ा जरूरी है। लोगों के और प्रशासन के बीच में कोई पुल का काम करे, असेंबली के MLA चुने और जो भी चीजें यहाँ पे थोपी गई हैं वो चर्चा का विषय बने, चर्चा के बाद वो लागू लोगों के बीच में जाके हम इम्प्लीमेंट कर पाए। स्टेटहुड की भी बात की, स्टेटहुड तो वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा, उसने हमारा स्टैंड को क्लियर किया कि स्टेट कोर्ट को फौरी तौर पर वापस दे। ये भाजपा के लोग बुखलाहट में हैं और अभी तक उनको ये जम्मू कश्मीर से जो चुनाव के संकेत आ रहे हैं, हमें लगता है कि स्टेटहुड जल्दी हम लोग लेके रहेंगे। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया रमन भल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये वर्किंग प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि जो मुद्दे वही बेरोजगारी है, करप्शन है, बाकी चीज़ें, इसी पे लोगों का गुस्सा है, इसलिए लोग बाहर निकल के वोट डाल रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की छः जिसमें लद्दाख की सीट भी है, उसमें जो इंडिया अलायंस का परचम है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, उनका ही परचम इसमें लहराएगा और 6 की 6 सीटें ये जीतेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।